अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको थ्रेड चिकन नूडल्स बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको थ्रेड चिकन नूडल्स बनाना सिखाऊंगी, या आप इसको कह सकते हैं कि चिकन इन क्रिस्पी नूडल्स। जिसके लिए आपको चाहिए हाफ के जी हमने चिकन ले लिए, लहसुन अदरक हरी मिर्च लेमन जूस ब्लैक पेपर नमक अंडा कॉर्नफ्लावर और नूडल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ये हमने चिकन ले लिए, आप या फिले ले लें और उसको स्ट्रिप्स में काट लें, या मेन्यू की आपको यूँ चाइनीज़ कटिंग मिल जाती है आप वो ले लें। इसके अंदर आपने अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून के करीब आपने लेमन जूस डाल देना, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक आप डालेंगे 1 टेबलस्पून, अच्छा भरा हुआ हरी मिर्च चाहिए या आप पे आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हो। मैं इसको 1 टेबलस्पून या हीप्ड ले रही हूँ, जितनी आप स्पाइसी करना चाहें। और लहसुन अदरक दोनों की पेस्ट जो है आपने 1 टेबलस्पून के करीब ले लेनी है। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, 4 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सोया सॉस भी डालनी है, 1, 2, 3 और 4। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेंगे 1/4 कप। कॉर्नफ्लावर ऐड कर लूँगी और साथ ही 1 अंडा हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें और इसको आप मिक्स करके हम 1/2 आवर के लिए रखेंगे। अब देखें थोड़ा सा लिक्विडिश ही है, मैं इसमें 1 टेबलस्पून और जो है कॉर्नफ्लावर का ऐड कर रही हूँ, 1/4 के अलावा 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड किए। अभी हम मिक्स करके 1/2 आवर के लिए रख देंगे। अब मैं आपको इनको मतलब फ्राई करने का तरीका सिखाऊंगी। नूडल्स का ये हमने पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था, जिसमें से सिर्फ इतनी मैंने सेव की हैं, बाकी ये है, बाकी मैंने साइड पर कर लिया, मतलब आधे से ज़्यादा इस तरफ हैं। इसके ऊपर 1/2 कप जो है आप कॉर्नफ्लावर ले लें और इसको हम अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर को नूडल्स में मिक्स कर लेंगे। आपने जब नूडल्स बॉईल करनी है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा कि आपने इनको फौरन ठंडे पानी से अच्छी तरीके से मतलब इसका स्टार्च निकाल लेना जब बॉईल आप डालेंगे स्टेनर में। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह हमारा कॉर्नफ्लावर इनमें मिक्स हो गया। अब देखें आपने इस तरह ये नूडल्स ले लेनी है। इसके अंदर आपने 1 पीस फिले का, छोटा है तो 2 ले लें आप, लेके इस तरीके से इनको रोल कर लें। बेशक अगर आपकी ग्रिप नहीं हो तो आप इसके ऊपर यूँ डाल के इसको हाथ से, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि कॉर्नफ्लावर लगा होता है तो ये उसको ग्रिप कर जाता है। इस तरह मैं 2-3 अब आपको ये बन, ये देखें इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये देखें आप इस तरीके से। रोल कर लेना है और अगर आपकी ये नूडल्स थोड़ी पड़ जाएँ या आपकी तो आप जो बाकी हमने बॉइल्ड सेव की हुई हैं आप उसको भी कॉर्नफ्लावर डाल के उसमें 3-4 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। ये अब देखेंगे होंगे। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। अपने घी गरम लेना है और इसके अंदर आप इसको अच्छी तरीके से यूँ रोल करके दबा के कि इस चिपक जाए अच्छी तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है और बहुत एहतियात से फ्राई करना है कि खुल ना जाए। और अब हम फ्लेम जो है वो लो कर देंगे थोड़ा सा, फॉर मिनट और सो के अंदर। चिकन हमारी क्योंकि बॉइल्ड नहीं है, कच्ची है, तो हम इसको 1/2 मिनट के लिए आप इसके स्लो करके फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पर ले जाएंगे। इसकी फ्राइंग पर आपने तवज्जो देनी है। ये हम अब मीडियम हीट पर इसको फ्राई कर रहे हैं। आपने ये देखें कि ऊपर से बिल्कुल वाइट है,
मैं आपको इसलिए ये आप करके दिखा रही हूँ कि आपने इसको बहुत हिलाना नहीं है ना कि खुल जाएंगे। जब ये गोल्डनिश ब्राउन हो जाए तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है आराम से और एहतियात से। फ्राइंग की तरफ आपने बहुत तवज्जो देनी है क्योंकि उसमें चिकन हमारी रॉ है। अब ये देख रहे हैं, अब जब दूसरी तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इसको डिश आउट करूँगा। अब आपने इसको मीडियम हीट पे पकाना है और कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा अगर आप ऑयल ले सकें तो डीप पे कर लें तो आपको फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको फ्राइंग में। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गए, इस तरह से मैं थोड़ा सा स्पॉट कर लूँगी, ये परफेक्ट हो गया। ये बैठ गया, ये आवाज़ भी तो तोड़ के डिप करके दिखाते हैं। क्रिस्पी आपकी चिकन अंदर से ये रेडी है, आप इसको टार्टर सॉस में डिप करके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल के ऊपर दिए गए लिंक के जरिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।